बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 15 क्वेश्चन 7। गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। चले जी, एक्चुअल एंट्री, एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट, रेक्टिफाइड एंट्री। और इधर लिखें आप चलिए। सबसे पहले है ए एंट्री, अ परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अक्रम। परचेज की है अक्रम से 10,000 की, एंट्री पास होनी थी परचेज इज डेबिट अक्रम क्रेडिट 10,000। उसने क्या किया, वाज रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। उसने इसको सेल्स बुक में लिख लिया, यानी उसको परचेज की बजाय सेल्स समझ लिया, तो एंट्री उसने कर दी अक्रम डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब इसको कंपेयर कर लें आप, परचेज ने डेबिट होना था, डेबिट नहीं हुई, हम कर देंगे परचेज डेबिट। अक्रम ने क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, क्रेडिट कर दें। ये दोनों हो गए, यानी ये काम नहीं हुए थे, हमने कर दिया। अब हम आते हैं इस तरफ, ये अक्रम ने डेबिट नहीं होना था, गलत डेबिट हुआ, तो इसको दुरुस्त करें। अक्रम को ये 10,000 से हो गए, ये 10,000 से हो गए, अक्रम डेबिट है, गलत डेबिट है, इसको सही करें, क्रेडिट कर दें, तो ये ख़त्म हो जाएगा, अक्रम 10,000 से क्रेडिट। सेल्स ने क्रेडिट नहीं होना था, गलत क्रेडिट हुई है, तो इसको ख़त्म करें, क्रेडिट है तो डेबिट कर दें सेल्स। ये आपके सारे पॉइंट हो गए। तो एंट्री पीछे क्या बची, परचेजेस डेबिट, सेल्स डेबिट 10,000 से और अक्रम क्रेडिट 20,000 से। तो यानी आप जो रेक्टिफाई एंट्री करेंगे उसमें दो दफ़ा अक्रम आ रहा है क्रेडिट में, तो आप इनको इकट्ठा लिख दें 20,000 से। यह आपकी ए एंट्री होगी। इसके बाद है अ परचेज ऑफ ₹7,000 फ्रॉम दाऊद। परचेज़ की है दाऊद से 7,000 की, एंट्री पास होनी थी परचेज इज डेबिट दाऊद क्रेडिट, और अमाउंट है 7,000। उसने क्या किया, वाज रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज रिटर्न्स बुक। उसने इसको परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया, यानी परचेज को परचेज रिटर्न समझ लिया, तो एंट्री पास हुई परचेज डेबिट होती है, तो इसकी अपोजिट होगी परचेज रिटर्न, और दाऊद का नाम उसने लिख दिया डेबिट, यानी चीज़ें खरीदी हैं लेकिन उसने समझा के वापस की, परचेजेस को परचेज समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको दुरुस्त करेंगे। दुरुस्त कैसे होगी, परचेज ने डेबिट होना था, डेबिट नहीं हुई, कर दो परचेज डेबिट 7,000। दाऊद ने क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, दाऊद को क्रेडिट कर दो 7,000। ये तो वो काम है जो नहीं हुए, वो हमने कर दिए। अब इधर आए, जो यहाँ पे दो काम गलत हुए हैं,
दाऊद ने डेबिट नहीं होना था लेकिन उसने डेबिट किया, तो इसको इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए क्या करें, इसको एक दफ़ा क्रेडिट कर दें तो ये डेबिट ख़त्म हो जाएगा 7000 से। परचेज डन क्रेडिट हुई हुई है, नहीं होनी थी, गलत क्रेडिट हुई है, इसको ख़त्म कर दो। तो एंट्री बनी परचेज डेबिट, परचेज डन डेबिट और दाऊद क्रेडिट 14000। दो दफ़ा क्रेडिट हो रहा है तो इसको एक को ख़त्म कर देते हैं हम। हम क्या करते हैं, इधर एक दफ़ा ही लिख देते हैं 14000 से दाऊद क्रेडिट। ये आपकी बी एंट्री हो गई। सी, अ परचेज ऑफ रुपीज़ 4800 फ्रॉम सर्वर, परचेज की है सर्वर से। एंट्री पास होनी थी परचेज डेबिट सर्वर क्रेडिट, कितना है 4800। उसने क्या किया, रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक, उसने इसको सेल रिटर्न समझ लिया, सेल रिटर्न बुक में लिख दिया। तो अब क्या होगा, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट, और नाम क्या है सर्वर का आ जाएगा, यानी चीज़ें उसने ख़रीदी थी सर्वर से लेकिन उसने इसको क्या समझ लिया, सेल रिटर्न समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको दुरुस्त करेंगे। परचेज डेबिट होनी थी, नहीं हुई, कर दो परचेज डेबिट 4800। सर्वर ने क्रेडिट होना था, सर्वर क्रेडिट ही हुआ, ये दुरुस्त है, इसको नहीं छेड़ना, इसको ठीक है, जो काम ठीक हो उसको नहीं छेड़ना। अब पीछे क्या बचा, ये सेल टर्न, सेल टर्न डेबिट हुई है, गलत डेबिट हुई है, इसको ख़त्म कर दो, इसको क्रेडिट दे दो, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो एंट्री बची परचेज डेबिट सेल टर्न क्रेडिट। ये आपकी तीन एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे डी, डी एंट। इसमें है अ सेल ऑफ रुपीज 8000 टू बाबर, बाबर को चीज़ें बेची हैं, बाबर डेबिट सेल क्रेडिट, ये एंट्री होनी थी 8000 से। उसने क्या किया, पास्ड थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक, उसने इसको सेल रिटर्न समझ लिया। तो सेल रिटर्न में क्या होता है, सेल्स क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट और बाबर का नाम क्रेडिट, ठीक हो गया। यानी ये एंट्री आपको पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या एंट्री बनती है, फिर उसकी एंट्री को जज करें कि उसने क्या किया। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी फिर आपके लिए दुरुस्त एंट्री करना बहुत ही आसान होगा। बाबर डेबिट है, इधर डेबिट नहीं हुआ, हम डेबिट कर देंगे, बाबर डेबिट 8000 से। सेल्स क्रेडिट है, ठीक है, इधर उसने क्रेडिट नहीं की, कर देंगे, बाबर डेबिट सेल्स क्रेडिट 8000 से। अब हम देखेंगे कि उसने जो काम गलत किए हैं उसको ठीक करें। सेल टर्न डेबिट हुई हुई है, नहीं डेबिट होनी थी, गलत डेबिट है, इसको ख़त्म कर दें, सेल्स रिटर्न लिख दें 8000 से। बाबर जो है ये क्रेडिट हुआ हुआ है, ये गलत क्रेडिट हुआ है, इसको ख़त्म करें, तो इसको डेबिट कर दें, बाबर 8000 से। तो आपके पीछे एंट्री बची बाबर डेबिट कितने से, 16000 से, और सेल्स क्रेडिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट, ये एंट्री हो गया। ई, अ सेल ऑफ रुपीज 12000 टू हफीज, हफीज़ को चीज़ें बेची हैं, हफीज डेबिट सेल क्रेडिट 12000। इसके बाद क्या है, पास्ड थ्रू द परचेज टर्न बुक, उसने इसको परचेज बुक में लिख दिया, थ्रू द परचेजेस बुक, उसने इसको परचेज समझ लिया। तो परचेज समझने से क्या हुआ, परचेज डेबिट कर दी उसने और हफीज क्रेडिट कर दिया, उलट हो गया, यानी सेल को परचेज समझ लिया। अब आप क्या करें, इसको कंपेयर करें, हफीज ने डेबिट होना था, डेबिट हुआ नहीं, तो कर दो हफीज डेबिट। सेल क्रेडिट होनी थी, हुई नहीं हुई, सेल क्रेडिट कर दें 12000। अब इधर आए, ये काम गलत किए हैं उसने, परचेज को डेबिट किया हुआ है, गलत डेबिट किया है, इसको ख़त्म करो, कैसे, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो 12000।
फीस गलत क्रेडिट हुआ है, इसको ख़त्म कर दो एक दफ़ा और, इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो 12,000 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हफीज़ डेबिट 24,000 से, सेल्स क्रेडिट परचेज क्रेडिट। और अब लास्ट वाली एंट्री जो है वो है एफ, अ सेल ऑफ रुपीज़ 6,400 टू लियाकत। लियाकत को चीज़ें बेची हैं, लियाकत डेबिट सेल क्रेडिट, और अमाउंट है 6,400। अ सेल ऑफ रुपीज़ फॉर 6,400 टू लियाकत, ये एंट्री पास हो गई थी। लियाकत डेबिट सेल्स क्रेडिट पास थ्रू द परचेज रिटर्न बुक, उसने इसको परचेज रिटर्न समझ लिया। परचेज रिटर्न बुक में ले जाने का मतलब परचेज रिटर्न। तो क्या करेंगे, परचेज डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट ये, और नाम जो है वही होगा जिसको हमने सेल्स की है 6,400। अब देखें लियाकत डेबिट है, लियाकत डेबिट है, तो ये तो काम ठीक हो गया। अब आगे देखें, सेल्स ने क्रेडिट होना था, नहीं हुई, सेल्स क्रेडिट कर दो 6,400, ये भी हो गया। अब यहाँ पे एक गलती है कि परचेज टर्न क्रेडिट हुआ हुआ है, तो हमने इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए क्या करें, इसको डेबिट कर दें, परचेज टर्न डेबिट 6,400। तो एंट्री बन गई परचेज रिटर्न डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट कीजिए, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।